राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन घर के काम तो भाई करने ही पड़ते हैं। जब स्पेशली बच्चों का स्कूल खुल जाए तो आप चाहते भी बीमार नहीं हो सकते। हम महिलाओं को उठना ही पड़ता है। तो बस मैं बाजार गई थी, वहाँ से लेकर आई हूँ कुछ एक सामान, क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल खुल गया है तो चीज़ें प्रॉपर चाहिए। अब एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि सुबह सुबह उन्हें नाश्ता भी करना होता है। तो मैं कुछ एक सामान लेकर आई थी, जिसमें मैं चोकोस लेकर आई थी। नमकीन वगैरह ख़त्म हो गया था शाम की चाय के साथ। छोटी मोटी भूख सभी को लगती है, कभी मेहमान आ जाए तो उनके लिए मुरमुरे लेकर आई, चाय की पत्ती लेकर आई। तो जो भी बेसिक सामान था, ग्रोसरी जो ख़त्म हो गया था, वो सब लाई, उन्हें रिफ़िल किया। फिर मैं सब्ज़ी लेकर आई, तो सब्जी में मैंने बीट रूट, खीरा, टमाटर, और हाँ, टमाटर से याद आया, टमाटर तो भाई बड़े महंगे हो गए हैं। आपके यहाँ क्या प्राइस चल रहा है टमाटर का, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैंने कल टमाटर लिए 1 किलो, भाई 70 रुपये के एक थे और 80 रुपीज़ के एक थे। 2 वेराइटीज़ के टमाटर थे, बड़े महंगे हो गए हैं। मुझे लगता है बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है, वापस से सब्जियाँ महंगी हो जाएगी। स्पेशली टमाटर वही पहुँच जाएगा 150-200 रुपये किलो। तो बस सारी सब्जियाँ मैंने यहाँ पर पलट दी हैं, धो धा के साफ़ करके रख दी है। तभी बच्चों ने कहा, मम्मा मैंगो शेक बना दो। तो मैं बाहर से आई थी, मैंने कहा चलो ठीक है, गर्मी हो रही है, मैं भी एक गिलास पी लूँगी। तो मैंने फटाफट मैंगो इसके लिए पील किया, फिर से ठंडा दूध निकाला और इसको मैंने डाला मिक्सी के जार में। और साथ में ना मैंने हनी डाला है, मैंने चीनी नहीं डाला आज। बहुत बढ़िया मीठे आम थे। और यहाँ पर ना विशाखापट्टनम में ये एक बड़े साइज़ वाला सफ़ेद आम जो होता है ना, मैक्सिमम यही मिलता है और हमें ये ज़्यादा पसंद नहीं आता है सच, पर फिर भी ठीक है, अभी कोई वैरायटीज़ नहीं है ज़्यादा, तो फिर हम ऐसे एडजस्ट करते हैं। तो फिर मैंने सारे डब्बे अरेंज किए। बारिश आ गई थी बाहर, तो कपड़े बच्चों ने ऐसे ही अंदर में रख दिए थे, फेंक दिए थे बेसिकली इधर उधर, कि बारिश आ गई थी ना, तो पंखा चलाकर कभी सोफे पे नीचे ऐसे डाल दिए थे, वो मैंने सिक्योर किया। फिर मेरा एक ऑर्डर था ढोकले का, तो ये ढोकला मैं बनाकर गई थी। जब मैं बाहर आई, मतलब वापस आई, तो ये ठंडा हो चुका था। फिर मैंने इसके पीसेस कट किए, अब मैं इसका छोंक बनाऊंगी। तो देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार हमारा ढोकला बना है, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार। तो मैं इसे मूंगफली के तेल में छोंक लगाऊंगी। तो बिल्कुल थोड़ा सा नाम मात्र के लिए तेल डाला मैंने, इसमें राई डाली, करी पत्ता, लंबी कटी हुई हल्के तीखे वाली हरी मिर्ची, और 2 कप के करीब मैं पानी डालूंगी। फिर इसमें चीनी डालेंगे, नमक, सिट्रिक एसिड डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे चीनी घुलने तक। फिर गर्मा गर्म छोंक हम अपने ठंडे ढोकले के ऊपर पोर कर देंगे, इवनली पोर करना। फिर इस पर धनिया वगैरह डाल देंगे, आप चाहे तो कद्दूकस किया हुआ नारियल भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे कस्टमर ने कहा कि उन्हें नारियल नहीं चाहिए, उनको नारियल पसंद नहीं है। तो ये हमारा ढोकला भी जाने के लिए तैयार है, विच वॉज अमेजिंग। आप ट्राई कर सकते हैं, इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आपको मिल जाएगी। तो मैं मार्केट गई थी ना, तो कुछ एक सब्जियां मैं लेकर आई थी। सब्जियों में ना कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो मैं जिस दिन लाती हूँ उस दिन बनाने की कोशिश करती हूँ, उसमें से एक है बैंगन, लौकी, पम्पकिन। ये सारी सब्जियां मैं फ्रिज में नहीं रखती, लाकर हमेशा बाहर रखती हूँ। आप भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। ये सब्जियां ना बाहर में बढ़िया रहती हैं, फ्रेश बनी रहती है। आप इन्हें फ्रिज में रखेंगे ना तो ये गलती नहीं है, स्वाद अच्छा नहीं आता है। एंड लुक एट द आलू बैंगन की सब्जी, कितनी शानदार बनी है, बहुत चटपटी मज़ेदार। साथ में मैंने बनाए हैं पराठे और 1 कप चाय। जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे वापस आते ही चाय चाहिए। तो मैं आपके साथ ये आलू बैंगन की चटपटी सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे बनाना, खाना और फिर मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। तो कढ़ाई में, सॉरी कुकर में डालेंगे हम सरसों का तेल। सरसों के तेल और बैंगन का कॉम्बिनेशन बहुत शानदार होता है, तो आप इसे बैंगन, सॉरी सरसों के तेल में ही बनाना, लेकिन हाँ जो तेल आपको पसंद हो फिर उसमें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कुकर में डालेंगे सबसे पहले जीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट और बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को भून लेंगे थोड़ा सुनहरा होने तक। फिर एक सूखी लाल मिर्ची को तोड़कर डालेंगे। फिर 3 टमाटर, ध्यान दें 3 टमाटर डालेंगे, हरी मिर्ची काट कर और लंबी भी डालेंगे। रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर चटपटा बनाने के लिए, रेगुलर नमक और काला नमक, थोड़ी कसूरी मेथी और 2-4 दाने मेथी के भी डालना और अच्छे से मिलाना। ये सब्जी बहुत ही स्वाद बनती है गाइस, आप इसे एक बार बनाकर खाना, आप बोलोगे कि नेहा मज़ा आ गया। अब पानी डालकर टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे, तो इसमें ना टमाटर की खटास बहुत बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लंबे कटे हुए मैंने 2 आलू इसमें डाल दिए हैं। आलू को बिल्कुल ऐसे कट करना है, स्पेशली सब्जी में, गर्मियों में जहाँ आपको ये लगता है ना कि कोई सब्जी नहीं है, तब आप इस बैंगन की सब्जी को ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा ऑप्शंस तो होते नहीं है, वैसे आजकल हर सब्जी अवेलेबल है, लेकिन सीजनल सब्जियाँ खानी चाहिए। अब मैं लेकर आई थी 2 बैंगन, 2 में से 1 बिल्कुल ख़राब निकला, 1 बैंगन ठीक ठीक निकला, इसलिए मैंने इसमें 2 आलू डाले हैं। लेकिन आप जितना बैंगन है उतने ही आलू डालना, आलू की मात्रा कम रखना तो सब्जी बहुत स्वाद लगती है। तो बस मैंने इसमें बैंगन डाल के 2 मिनट भूना और थोड़ा सा पानी डालकर हाई फ्लेम पर 2 सीटी दे दी।
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम पे, एंड लुक एट द सब्जी कितनी शानदार बनी है। स्पेशली ये सब्जी ना चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैंने इस टाइम पर तो पराठे बनाए थे लेकिन ये सब्जी बची थी, तो हमने रात में ना स्टीम्ड राइस बनाया, गर्मा गर्म थोड़े घुटे घुटे से चावल बनाए, उसमें मैंने डाला घी खूब सारा चावल में और साथ में सब्जी का, इस मज़ा आ गया था, आप ट्राई करना। अभी सब्जी में मैंने डाला है थोड़ा सा गर्म मसाला, कसूरी मेथी और 1 टेबल स्पून शुद्ध घी, बिल्कुल ऐसे बनाना। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर बच्चों के लिए पराठे। तो कभी कभी जैसे आलू बैंगन की सब्जी हुई या पम्पकिन की सब्जी हुई, कद्दू जो खट्टा मीठा बनता है, करेले हुए, इनके साथ ना पूरी पराठा बहुत अच्छा लगता है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो कभी कभी चलता है यार, हमेशा तो कोई खाता नहीं है लेकिन कभी कभी मैं बनाती हूँ। तो मैंने बनाए बच्चों के लिए तो शुद्ध घी के पराठे, एकदम फुले फुले पराठे मैं बना रही हूँ, और गर्मा गर्म पराठे और साथ में ये टेस्टी चटपटी सब्जी, भाई मज़ा आ जाएगा आपको सच में। तो गर्मियों में ना जैसे बैंगन होता है, बैंगन के हर किसी का खाने का मन नहीं करता, लेकिन इस तरीके से आप बनाकर खिलाओगे ना तो बच्चे ये भी बोलेंगे कि मम्मा आप इसे टिफ़िन में भी देना, गारंटी से मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पराठे बनकर तैयार है, मैं बनाती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ, और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए मस्टर्ड ऑयल में पराठा। मुझे ना सरसों के तेल के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये जो बोतल में आप देख रहे हैं ना, ये तेल इतना प्योर है, इतना प्योर है कि हल्की से ना जो गाद होती है तेल की वो इसमें चिपकी हुई है, ये प्योरिटी का साइन होता है। तो मैं तेल लेती हूँ प्योर लकड़ी घानी ब्रांड से, इनके पास 11 प्रकार के तेल हैं, एंड दिस इज़ नॉट ए प्रमोशनल वीडियो, पर्सनली मैं इस्तेमाल करती हूँ। आप में से कई सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हो, इसलिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल में मैं बना रही हूँ अपने पराठे, बहुत स्वाद पराठे बनते हैं गाइस सरसों के तेल के, तो आप बनाना बहुत ही मज़ेदार। तो बस यहाँ पर मैंने भी अपने 2 पराठे बनाए हैं, मैं 2 ही रोटी खाती हूँ, तो आज मैं खाऊंगी भाई खुश होके 2 पराठे, बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, इतना मन कर रहा था कि गर्मा गर्म बैंगन की देखिए सब्जी का रंग देखिए आप अच्छे से देखिए। अगर आपको खड़े खड़े आलू पसंद नहीं है तो इसे मैश कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जैसे वैभव है तो वो बैंगन नहीं खाएगा, उसके लिए मैंने आलू डाला है, मैं उसे अलग से निकाल के दे दूंगी आलू। एंड लुक एट द आलू बैंगन, लटपटी चटपटी स्वादिष्ट सब्जी जिसे आप चावल के साथ खाएंगे तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। तो यहाँ पर ये मेरी प्लेट, इतना था खार के आने के बाद, बाहर से जब मैं स्पेशली आती हूँ मेरा खाना बनाने का मन बिल्कुल नहीं करता, मैं बैठे बैठे थक जाती हूँ मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब बच्चे होते हैं ना घर में तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप अकेले अगर है तो ऑफ कोर्स आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जब फैमिली होती है तो जिम्मेदारी होती है और उनके अनुसार हमें चलना पड़ता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना, धन्यवाद।